हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अगर आपका सपना एक टीचर बनने का है, आप खुद को एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक अभी बहुत चर्चा में है। आपने सुना ही होगा UGC नेट के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UGC नेट क्या होता है और इस एग्ज़ाम को करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि UGC नेट को फॉर्म फिल करने की डेट और एग्ज़ाम डेट कब है, साथ ही रिजल्ट डेट कब है, ये सभी बातें आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि UGC नेट क्या होता है। दोस्तों, UGC नेट एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को एक मौका दिया जाता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एक लेक्चरर बन सके, एक टीचर बन सके। जी हाँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप भारत के किसी भी कॉलेज में टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों, UGC नेट परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह परीक्षा देश के प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो कि मास्टर्स डिग्री यानी कि MA, MSc, MCOM परीक्षा पास कर चुके हैं। अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं UGC नेट परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर बन सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, UGC नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये एग्ज़ाम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही दे सकते हैं। चाहे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस परीक्षा में आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 5 साल तक की छूट प्रदान की गई है। इस परीक्षा में आप फॉर्म तभी फिल कर सकते हैं जब आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स हों। आइए आगे जानते हैं UGC नेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं कि आखिर वो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, नेट परीक्षा में दो तरीके के पेपर होते हैं। इसमें पेपर दो तरीके से निर्धारित किए गए हैं और ये दोनों पेपर कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, दूसरे पेपर में आपसे कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके लिए 200 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और ये एग्ज़ाम कुल मिला के 3 घंटे का होता है। जी हाँ, ये पूरा एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है जिसमें कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों इंक्लूड होते हैं। UGC नेट परीक्षा के दोनों पेपर MCQ होते हैं, यानी कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर सभी स्ट्रीम वालों के लिए कॉमन होता है। जी हाँ, ये फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, जिसे सभी स्ट्रीम वाले देते हैं और सेकंड पेपर आपकी चूजिंग सब्जेक्ट पर आधारित होता है। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रेशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जैसे बहुत से टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड आपकी चूजिंग सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। इसका सिलेबस क्या है ये आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं UGC नेट 2019 में दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करने की डेट क्या है। तो दोस्तों, UGC नेट एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2019 में आयोजित किया जाएगा, कि फॉर्म फिल करने की डेट 9 सितंबर 2019 है और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट अक्टूबर 2019 है। आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9 नवंबर 2019 को NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं और साथ ही UGC नेट एग्ज़ाम
2 दिसंबर 2019 से 6 दिसंबर 2019 तक आयोजित होगा। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 31 दिसंबर 2019 को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की फॉर्म फीस क्या है। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए इसकी फ़ीस 800 रुपये निर्धारित की गई है। जी हाँ, 800 रुपीज़ निर्धारित की गई है। और एसटी वालों के लिए, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए इसकी फ़ीस 200 रुपये निर्धारित की गई है। ओबीसी वालों के लिए इसकी फ़ीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने उन सभी बातों के बारे में जाना जो कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए ज़रूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के एग्ज़ाम में आप सभी पास होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।